अंदरूनी इंडिया के अंदर प्रेशर आ रहा है। कल जो जिस पर नजर रखने की जरूरत है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने, जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप कर रही है। अभी वहां पे दो किस्म की इस पे राय आ रही है। एक तो यह है कि वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत ज्यादा इतनी आजाद आजाद वो जुडिशरी नहीं नहीं है। है। तारीख ये रही है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की कि जहां उनकी अपने इख्तियारात आते हैं तो बड़ी अर्जेंसी शो करती हैं, मगर जहां सियासी मामलात आते हैं वो लटके रहते हैं। जिस तरह बाबरी मस्जिद का, वो 10, 12, 14 साल हो गए हैं, वो उसका फैसला ही नहीं हो पा रहा। जो है वो बेअंत सिंह जो था चीफ मिनिस्टर पंजाब का, मार दिया गया था, उसको फांसी हुई भी, 8-10 साल से वो पेंडिंग है, वो भी बीच में ही लटका हुआ है। तो वहां पे ये है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इंडियन चाहेगी कि ये खराब मामला हुए हैं तो तब ये यूज करके कोर्ट को अच्छा वहां से सही तरीके से परसू नहीं करेंगे तो ये पिछली गली से निकल जाएंगे कि स्टे हो गया है। ठीक मगर अगर इन्होंने लटकाना हो तो कल ये देखना है कि दो चीजें, कि ये आया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर बनाया इन्होंने तो फिर ये है कि 4-5 साल लटका जाएगा, अगर लटकाना होगा। अगर इन्होंने प्रोसीडिंग शुरू कर दी तो वहाँ क्वेश्चन, जो कानूनी क्वेश्चन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो आएगा वो ये है कि 370 को उन्होंने बड़ी चालाकी की है, बहुत चालाकी की है कि उन्होंने उसको ना एब्रोगेट किया है, उसको ख़त्म नहीं किया, उन्होंने उसको इन ऑपरेशनल बना दिया, उसको उसकी अफादियत ख़त्म कर दी है। 370 को ही इस्तेमाल करके 370 की अफादियत ख़त्म की है, इन ऑपरेशनल कर लिया, सो ये ज़्यादा नहीं। पर उसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि वो उसको जो स्टेट असम्बली थी उसको प्रेसिडेंट, ये कर सकता है, प्रेसिडेंट के इख्तियारात में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, मगर उसको कश्मीर की असम्बली से उसको पास कराना है, क्योंकि इस वक्त कश्मीर की असम्बली ही नहीं है। कुछ लोगों को तो कहना था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी पहले 50s में वो कर सकती थी, मगर असेंबली क्योंकि है नहीं है तो उन्होंने गवर्नर से ये फिलहाल करवा लिया अच्छा है ठीक कि है। आया ये काफी है कि मैं नहीं आपकी है बात कुछ। काट रहा हूँ, आप इसका जवाब में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ हाँ इस आपके इस कमेंट से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो मैं आपसे क्लेरिफिकेशन हाँ थोड़ी चाह रहा हूँ। जो मुझे समझ आई, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इंडियन पार्लियामेंट में 2-2.5 महीने पहले इन इलेक्शन के फौरन बाद, या जो भी टाइम था, एक यहाँ पे ये लाए थे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई थी बीजेपी की गवर्नमेंट, उस दिन मैं लोकसभा की उनके प्रोसीडिंग सुन रहा था, उसमें उसमें से किसी मिनिस्टर ने ये बोया तो ये पॉइंट आउट किया कांग्रेस के किसी बंदे को, उसने कहा जनाब ये सारी चेंजेस हमने तो यहाँ से की थी, उस वक्त तो आप बोले नहीं, आप चुप करके रहे हैं, बल्कि साहब मत एक तरह का साथ दिया हमें। वो क्या थी कि अब ये पहले यही था जो बात आप कह रहे हैं कि असेंबली की वहां पे उनके असेंट जरूरी थी, अब इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर चेंजेस करके ये कर दिया है कि असेंबली की कंसेंट आपके लिए जरूरी नहीं है, अब गवर्नर भी आपको दे देगा तो वो काफी है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो है, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, आई विल इसको चेक मैं दोबारा कर लूंगा, जो मुझे याद पड़ा है, ये ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाने के बाद ही उन्होंने गवर्नर से अप्रूवल, वक्ती तौर पर नहीं है, दैट्स परमानेंट, अनलेस जब सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा दे या ये दोबारा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करके इंडियन पार्लियामेंट जो है इसको इसको रिव्यू करे। ये मुझे थोड़ा सा इस नहीं पे नहीं ये इस पे आप आ जिस रहा तरह है, कह रहे प्लान हैं कहते हो वो कह एक रहे डिफरेंट हैं इशू है, ये एक बहस इंडिया में चल रही है कि ये जो 370 थी इसकी नियत टेम्परेरी है। तो 2-3 दफा पहले सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुकी है कि ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, वो एक और बहस है। मगर ये इसमें अंदर कोई उन्होंने इस पे ना अमेंडमेंट की है ना कानून बनाया है, उन्होंने 370 के लिए प्रेसिडेंट के इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, उसको पहले भी 45 चेंजेस कर चुके हैं, ये पहली दफा चेंजेस नहीं है, उसको सिर्फ उसकी पावर प्रेसिडेंट की यूज करते हुए इन ऑपरेशन कर दिया है वहां की उसको गवर्नमेंट को। और फिर उसके बाद ये मगर लाजिम है कि असेंबली का अप्रूवल उसके अंदर है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन करना है कि आया गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्योंकि स्टेट असेंबली के व्यूज भी चाहिए होते हैं, जो कि ठीक व्यूज नहीं आए, जब बहस होती है तो वो माने चना माने उनके व्यूज लेना जरूरी होते हैं, तो ये वाली बहसें हैं वहां पे करके। केस है स्ट्रॉन्ग, मगर ये डिपेंड करता है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट किस तरह इसको टेकअप करती है।